शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। आप सबने मुझे यहाँ देखा होगा, मैं सेवा करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ थर्सडेज को आता हूँ। मुझे आज बोला गया कि आपने सत्संग करना आज। मैंने दो बार किया है नए वाले मंदिर में सत्संग, एक बार पुराने वाले मंदिर में किया था। तो शुक्राना महाराज आज एक और मौका देने के लिए। मुझसे कहा था कि आपको फॉर्मेट पता है सत्संग कैसे होता है। मैंने कहा हाँ जी अंकल मुझे पता है, मैं कोशिश करूँगा फॉर्मेट पर स्टिक रहूँ। बट मैं यूजुअली फॉर्मेट्स पे ज़्यादा स्टिक रहता नहीं हूँ, मैं एंड मोमेंट पे थोड़े सरप्राइजेज हो जाते हैं। तो मैं भी वो सोचा था कि मैं क्या बोलूँ। एक छोटा सा कुछ दिन पहले एक वीडियो व्हाट्सएप पे बड़ा आया था, एक गुरुजी के ग्रुप में था, उसमें एक अंकल थे जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो उनका बड़ा अच्छा सत्संग बहुत एक मिनट का था कि जब भी मंदिर में मुझसे मिलने आते हो तो मेरा अपना दुख मत लेकर आया करो, दुखड़ा मत लेकर आया करो, रोते मत रहा करो मेरे सामने आके। सो वेन एवर यू कम टू द टेम्पल कम हैप्पी, कम वेल ड्रेस्ड और खुश खुश आया करो, मतलब खुशी से आया करो, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं आया करो और अपना रोना लेके मत आया करो मेरे पास। मेरे पास जब भी आते तो अच्छा स्माइलिंग फेस लेकर आओ और शब्द सुनो और पूरे माहौल का मजा लो। सो दैट वॉज जस्ट वन मिनट सत्संग विच वॉज वेरी वेरी इट टच्ड मी कि हम लोग जब भी आते हैं तो अपना कोई ना कोई दुख लेके आते हैं गुरुजी के सामने कि ये प्रॉब्लम होगी है, वो प्रॉब्लम होगी है। सो ट्राई करते हैं कि वो सब ना करें, एक दो घंटे के लिए जब भी यहाँ आते हैं कि खुशी खुशी आए और गुरुजी से ब्लेसिंग्स लें, शब्द सुने। मैं अपनी जर्नी तो खैर शेयर करूंगा ही करूंगा, बट गुरु महाराज की मुझ पर बहुत कृपा रही है। ये गुरु महाराज वर्ड भी मैं पहले बोलता नहीं था। ये ताज आंटी यहाँ बैठी हैं हमारे घर में, जब फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ था तो आंटी के मुंह से निकला था, मैं गुरुजी नहीं बोलती, मैं गुरु महाराज बोलती हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप गुरु महाराज बोलते हो। उसके बाद से मैंने भी गुरु महाराज बोलना शुरू कर दिया। तो कहने की बात यह है कि एवरी संगत से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो इट इज़ अप टू यू कि आप उनसे क्या सीखना चाहते हो। तो ताज आंटी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी सीख भी रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आपको पता नहीं होगा, जो संगत यहाँ पर शायद नहीं है जो ताज आंटी को ऐसे जानते नहीं है, तो जो आप लास्ट में ओम नमः शिवाय का जो आप जाप सुनते हो तो ताज आंटी के सिस्टर ने ही वो गाया हुआ है। सो कुछ दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि ताज आंटी के सिस्टर का मैंने सत्संग सुना था, बट मुझे उनका नाम अभी कुछ दिन पहले याद नहीं आ रहा था कि नाम क्या है, नाम क्या है, टी से शुरू हो रहा है या एस से शुरू हो रहा है। आंटी नाम बता दीजिए प्लीज। सदा ठाकुर आंटी। सो वो नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, मेरे को लेटर में थोड़ा वो हो रहा था, बट आज आंटी आ गई तो मैंने सबके सामने पूछ लिया है। तो सदा आंटी ठाकुर आंटी जी का भी आप सत्संग सुनना, यूट्यूब पर है, बड़ा अच्छा है। मेरा विश्वास गुरुजी से, यस मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे दुख थे, आई हैड चैलेंजेस इन माय लाइफ। मेरी लाइफ में मुझे बहुत चैलेंजेस थे, मेरी पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस थे, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस थे। इनफैक्ट वन माय डॉटर, माय सेकंड किड, माय डॉटर वाज बॉर्न, तो उसका फर्स्ट बर्थडे आने वाला था, तो उसके फर्स्ट बर्थडे से पहले अराउंड हफ्ता 10 दिन पहले मेरी आई हैड अ ले ऑफ, मेरा ले ऑफ हो गया था। तो मैंने जब तक मेरी बेटी का बर्थडे हो नहीं गया था, मैंने घर पे अपनी आंटी को बताया नहीं था कि मेरा ले ऑफ हो चुका है। सो आई वॉज, मैं घर से बाहर निकल जाता था, घर पे नानी होती थी, सो आई यूज टू कंटिन्यू डूइंग द सेम रूटीन द वे इट वॉज। तो ऐसे चैलेंजेस बहुत थे, मैं चैलेंजेस के बीच में नहीं जाना चाहता हूँ, बट यस चैलेंजेस काफ़ी थे। गुरु महाराज जी ने संभाल लिया एंड बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग कर दिया। मैं मेंटली पहले शायद थोड़ा स्ट्रांग था, लेकिन महाराज जी से जुड़ने के बाद मैं और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो महाराज की कृपा रही कि उन्होंने मुझे गलत डायरेक्शन में जाने नहीं दिया, मुझे सही रास्ते पे ले आए और वहाँ से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। आई वाज नॉट वेरी स्पिरिचुअल अवेकन, मैं कुछ इतना पूजा पाठ ऐसे कुछ करता नहीं था, बट गुरु जी के साथ जुड़ने पर जो मेरी लर्निंग्स है वो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले जो आपकी लाइफ में आपको डिफरेंस आना शुरू होगा वो ये होगा कि आप यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग अराउंड यू इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। अपने आप को आप थोड़ा डीप डाइव करना शुरू कर दोगे, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है,
मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ी पेशेंस और होनी चाहिए, थिंग्स लाइक दैट. धीरे धीरे फिर आप जब यहाँ संगत में बैठते हो आपको शब्द सुनने बड़े अच्छे लगेंगे. ग्रेजुअली आपका जो प्रोग्रेशन होगा, जो मैं अपनी लाइफ के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शब्द बड़े अच्छे लगेंगे. अब इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, तो पहले मैं वर्कआउट करने के टाइम पे हनी सिंह के गाने या पंजाबी गाने वगैरह सुनता था. तो अब इट हैज ऑल चेंज्ड, आई डोंट लिसन टू दो सॉन्ग्स एनी मोर. मैं सुबह अमृत वेला का वो सुनता हूँ सारा, वो जो 40 मिनट्स की वो जो चल पूरी वो होती है टाइम पीरियड, 40-45 मिनट्स का जो शब्द से लेकर आपके कथा कीर्तन तक, तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो मेरा, मैं वो सुनता हूँ. तो दैट इज हाउ योर लाइफ चेंजेस. आपको शब्द सुनने बड़े अच्छे लग जाएंगे, फिर आप और शब्द, आपको कुछ काम करना होगा फिर आप सोचोगे यार हिम्मत नहीं आ रही मेरे में, शब्द विल गिव यू दैट हिम्मत. वो शब्द गुरबानी शब्द जो होगी वो आपको हिम्मत देगी. सो समझ में तो मेरे को भी नहीं आती है गुरबानी के शब्द, मेरे को भी इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन हम कोशिश करते हैं. और इससे बड़ा सत्संग क्या होगा कि जो पीछे आंटी आपके बैठी हैं, जया आंटी, वो हिंदी भी जानती हैं, पंजाबी तो खैर भूल जाओ, वो भी शब्द सुनती हैं. सो कहने की भाव ये है कि अगर आप कोशिश करो, शुरू शुरू में दिक्कत होगी आपको, बट शब्द सुनना शुरू कर दो, बड़ा अच्छा लगता है. मेरी लाइफ में चैलेंजेस की जब जहाँ बात हो रही है, सो ये जो बता रहा था मैं आपको मेरी बेटी का एंड ऑल दैट, वो सब चल रहा था. तो जब मेरी जॉब के लिए मैं ढूंढ रहा था, तो आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ कंपनी, SAP कंपनी, एक कंपनी का नाम है. सो आई वॉन्टेड टू join that company, but मेरी हिम्मत नहीं थी बिकॉज इट्स अ ट्रैवलिंग जॉब. सो गुरु महाराज की पता नहीं क्या कृपा हुई कि आई गॉट अ जॉब इन दैट कंपनी. इट वॉज माई वन ऑफ माई ड्रीम कंपनी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. अब जॉब लग गई, उसके बाद में टेंशन थी कि अब ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी. बच्ची, माई सेकेंड किड वॉज हार्डली अ ईयर ओल्ड, एंड आई हैड नो अदर ऑप्शन बट लाइक बिगर्स आर नॉट चूजेज, आई हैड टू टेक अप वॉट एवर जॉब आई गॉट. सो आई टुक द जॉब, द पैकेज वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड. सो बस आई टोल्ड माई आंटी के बी प्रिपेयर्ड, आई हैव टू ट्रैवल. गुरु महाराज की कृपा से, ये मैंने पहले भी सत्संग में बताया, बट मेरे को 3 weeks का असाइनमेंट मिला था वो, एंड 3 weeks के लिए मेरे को ज्वाइन किया मैंने. एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं जब पुरानी जॉब में था, वो भी न्यूयॉर्क में थी, ये भी न्यूयॉर्क में थी, तो जब मैं पुरानी जॉब से पेन स्टेशन तक आता था, आई यूज टू कम अक्रॉस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बाहर बड़े लोग खड़े होते थे, वो जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं. सो आई वॉज लाइक, गुरु जी मैं कभी अंदर नहीं, आई वॉज लाइक, मैंने अपने मन में बोला था कि मैं कभी अंदर नहीं गया इस बिल्डिंग के. सो अगर कभी मौका मिले तो आई डोंट वांट टू गो एज अ टूरिस्ट. तो उसके बाद में फिर जो मेरी नई जॉब लगी थी, जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था, इट वॉज एन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में 3 weeks के मैंने शुरू किया था, करते 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 वो अराउंड 8 to 9 months चला गया. सो इट ऑल गॉट स्टार्टेड गेटिंग एक्सटेंडेड. सो बाय द टाइम आई वाज सपोज टू फाइंड अ नेक्स्ट प्रोजेक्ट, आई गॉट अनदर जॉब. आई वाज लुकिंग आउट फॉर समथिंग लोकल एंड गॉट अ जॉब इन ब्रिजवाटर. सो थैंक यू गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना. एक बात मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ, लोग कहते हैं सत्संग करो, अपने एक्सपीरियंसेस बताओ. इससे बड़ा सत्संग क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी संगत में लोग बैठे हैं, 90% गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में मिलेंगे. सो इससे बड़ा सत्संग हो ही नहीं सकता कि हम फिजिकल फॉर्म में गुरु जी को ना मिले रहे, यहाँ पर 2 घंटे बैठ रहे हैं, इन पर विश्वास रख रहे हैं कि जो हमारा चैलेंजेस है लाइफ में गुरु जी हमें संभाल लेंगे. सो मेरा सत्संग यही है कि अगर आप गुरु जी के साथ जुड़ना चाहते हो, इनफैक्ट जुड़ चुके हो, बट अगर और डीप में जाना चाहते हो, तो मैं कुछ दिन पहले रघुवीर अंकल का भी सत्संग काफ़ी सुन रहा था, कंटिन्यूसली 1-2 दिन मैं सुनता रहा. सो आप अगर आपको मौका मिले तो आप रघुवीर अंकल का भी सत्संग सुनिएगा. तो वो अंकल ऐसे हैं जो गुरुजी के साथ 1985 से जुड़े हैं और एंड तक गुरुजी के साथ थे. अभी भी खैर गुरुजी के साथ नहीं, बट फिजिकल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ. तो अगर आप मौका मिले तो आप प्लीज़ रघुवीर अंकल को सुनिए. सो मेरा सत्संग बस इतना ही है. और बाकी एक चीज़, बस छोटी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एज अ सेवादार, कि अगर कोशिश हो तो अपना फोन या तो साइलेंट पे रखिए या लेकर मत आइए, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि आपकी जब आप यहाँ बैठते हो तो फोन की वाइब्रेशन से आपकी जो गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी होती है वो खत्म हो जाती है. तो मैंने अपनी लाइफ में, या मैंने जो अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया है, मैं ये करता हूँ कि अपना फोन गाड़ी में रख के आ जाता हूँ, ताकि जो थोड़ी बहुत ब्लेसिंग अगर मिलनी होती है गुरुजी से, वो फोन की वजह से मेरी खत्म ना हो जाए. सो मेरी सिर्फ ये भी इतनी रिक्वेस्ट है संगत जी कि अगर आप कोशिश कर सको, अगर फोन अगर आप अपनी गाड़ी में रख सको तो बहुत बढ़िया है.
और अगर नहीं लग सकते हो तो उसको साइलेंट पर रख के उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, क्योंकि आप यहाँ पर दो घंटे बिताने आए हो, अपना दो घंटे का बहुत अच्छा उपयोग करो। फोन की तरफ ध्यान मत दो, आपके परिवार में कौन क्या कहाँ बैठा है उसकी कोई चिंता मत करो, गुरु जी के यहाँ बैठे बस ध्यान लगाने की कोशिश करो। जय गुरु जी की, बहुत बहुत शुक्राना। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।